अब कुछ इम्पोर्टेंस फॉर्मूला है जो नोट्स के अंदर मैं बताता हूँ। पहले आता है कि डिस्काउंट, आप कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसके ऊपर आपको डिस्काउंट देता है ना, तो ये क्या है, रिडक्शन गिवन ऑन द मार्केट प्राइस, यानी आपको जो मार्केट पे आपको 300 का बोला है और वो बोलता है 300 रुपये का कोई चीज है, वो बोलता है कि मैं चलो 50 रुपये आपको डिस्काउंट दूंगा, तो मार्केट प्राइस के ऊपर वो 300 रुपये की चीज थी उसके ऊपर 50 का डिस्काउंट दिया तो आपको 250 में वो मिलेगी, तो 50 रुपये आपको क्या मिला, डिस्काउंट दिया। लेकिन रुपये में भी बोलता है या कभी कभी ऐसा बोलता है कि 10% में डिस्काउंट देता हूँ, तो ये जो प्राइस है उसके रिलेटेड 10% का आपको डिस्काउंट देते हैं, इसीलिए आपकी मार्केट प्राइस क्या होती है, रिडक्शन होती है मार्केट प्राइस का। तो डिस्काउंट यानी मार्केट प्राइस में जो सेल प्राइस निकालो तो भी मिलता है, जैसे कि ये मार्केट प्राइस थी एमपी, ये सेलिंग प्राइस थी एसपी, तो देखो एमपी माइनस एसपी कर रहा हो 300 माइनस 250 तो आपको 50 मिला कि नहीं, तो 50 क्या था, डिस्काउंट था, बराबर कि नहीं, तो आप इस तरह से डिस्काउंट ढूंढ सकते हो। फिर आता है ओवरहेड चार्ज, यानी कोई एक्स्ट्रा चार्ज लगता है वो, तो सम एडिशनल एक्सपेंशन है, रिपेयरिंग चार्ज है, लेबर वर्क चार्ज है, या ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, देखो इधर वो भी चार्ज हो सकता है, अगर कोई आप बाइक ली या कोई चीज ली वो चीज आपके घर पे पहुंचाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज वो एक्स्ट्रा है, यानी मार्केट प्राइस तो आपकी 300 रुपीज थी और 50 रुपया उसको घर पे लाने का चार्ज हुआ, तो 300 प्लस 50 यानी 350 का हुआ, तो वो ओवरहेड चार्ज है, बराबर। फिर आपको जीएसटी भी आएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंडियन गवर्नमेंट है वो आप जीएसटी ला दिया है, यानी जो आप चीज सेलिंग करते हो या परचेस करते हो तो उसके ऊपर आपको जीएसटी देना पड़ता है जो भी परसेंटेज के हिसाब से, तो आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो भी बढ़ जाएगी, सेलिंग प्राइस भी बढ़ जाएगी, एडिंग इंक्लूडिंग जीएसटी होती है तो सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगी। तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस तो कॉस्ट प्राइस प्लस ओवरहेड चार्ज, यानी ये ओवरहेड चार्ज में ऐड कर दो तो टोटल कॉस्ट प्राइस चार्ज मिलेगी, ओवरहेड चार्ज में लेबर चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज या रिपेयर चार्ज कुछ भी हो सकता है। दूसरा ये डिस्काउंट का मैंने बात किया कि परसेंटेज, तो अगर डिस्काउंट परसेंटेज में कैसे निकाले, तो जो डिस्काउंट है नीचे एमपी यानी मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई 100 करो तो आपको डिस्काउंट परसेंटेज में मिलेगा, क्योंकि अभी तो जो एडवर्टाइजमेंट आप देख रहे हो तो आपको ऐसे बोलते हैं कि ये मोबाइल है इसके ऊपर 5% डिस्काउंट है, इसके ऊपर 10% डिस्काउंट है, तो वो परसेंटेज कैसे आप ढूंढे, तो अगर मोबाइल की ओरिजिनल प्राइस 10,000 है तो वो नीचे आएगी, बराबर है, 2% डिस्काउंट तो इधर आएगा और 100 इधर आएगा, तो आपको ओरिजिनल वो डिस्काउंट कितना होगा वो भी मिल जाएगा। तो आप ये फॉर्मूला लिखा के कितने परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट है वो भी ढूंढ सकते हो। फिर कुछ एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस फॉर्मूला, जैसे कि प्रॉफिट अमाउंट क्या है, अगर एक्स परसेंट आपको प्रॉफिट होता है तो एक्स परसेंट ऑफ टोटल कॉस्ट, ये एक्स परसेंट किसके, तो टोटल कॉस्ट के, तो वो आपका प्रॉफिट अमाउंट है। अगर मेरे को 5% लॉस हुआ तो 5% ऑफ टोटल कॉस्ट, तो वो लॉस अमाउंट मिलती है मेरे को, अगर प्रॉफिट हुआ 5% तो 5% ऑफ टोटल कॉस्ट, अगर टोटल कॉस्ट 100 रुपीज है तो 5% ऑफ 100, वैसे करके आप प्रॉफिट अमाउंट या लॉस अमाउंट दोनों ढूंढ सकते हो। ये एक्स है वो आपके परसेंटेज के ऊपर है, कितना प्रॉफिट हुआ एक्स परसेंटेज कि लॉस हुआ एक्स परसेंटेज, इसके हिसाब से आपको देखना है, और आगे आप एग्जांपल देखोगे तो थोड़ा ज्यादा आइडिया आएगा। दूसरा है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या है, तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, अगर आप प्रॉफिट की बात करें तो सेलिंग प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट करो तब सेलिंग प्राइस मिलेगी। अगर मेरे को 10 रुपीज प्रॉफिट हो रहा है और 100 रुपीज की चीज है तो 100 प्लस 10 यानी 110 वो मेरी सेलिंग प्राइस है, उसमें बेचूंगा तभी मेरे को 10 रुपीज प्रॉफिट होगा। इस तरह से सेलिंग प्राइस तो कॉस्ट माइनस लॉस करोगे,
तो आपको सेलिंग प्राइस मिलेगी। अगर अपना लॉस 10 रुपीज है, कॉस्ट आपकी 100 रुपीज है, तो सेलिंग प्राइस आपकी 90 होगी। 100 की चीज है वो आप 90 रुपीज में बेचते हो तो सीधी सी बात है आपको 10 रुपया लॉस जाने वाला है। तो ये फॉर्मूला से आप लॉस डायरेक्टली भी ढूंढ सकते हो या प्रॉफिट भी कर सकते हो। तो ये खास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सर। फिर आता है परसेंटेज इंक्रीज। कभी बोलते हैं कि ये चीज है तो 5% इंक्रीज हुई, उसकी ओरिजिनल प्राइस में 5% इंक्रीज हुई। या कोई चीज है, कोई वस्तु आप लेते हो और उसके भाव बढ़ जाते हैं, तो आप बोल सकते हो कि वो उसके भाव है वो 5% इंक्रीज हुई। तो वो किसके हिसाब से, तो परसेंटेज इंक्रीज यानी इंक्रीज वैल्यू कितनी इंक्रीज हुई। 5% तो 5% जो भी वैल्यू हुई वो, और ओरिजिनल वैल्यू क्या थी यानी ओरिजिनल उसका भाव क्या था वो, और मल्टीप्लाई 100 करोगे तो आपको परसेंटेज इंक्रीज मिलेगा। उस तरह से परसेंटेज डिक्रीज होती है कोई वैल्यू, परसेंटेज डिक्रीज। इसमें पॉपुलेशन की बात हो सकती है, 2011 में इतने परसेंटेज थी और 2012 में 10% इंक्रीज हुई, तो परसेंटेज इंक्रीज पॉपुलेशन की, तो वैसे में आप गिन सकते हो उसको। परसेंटेज डिक्रीज, तो ये डिक्रीज किस में होगी, आप कोई चीज खरीदते हो जैसे कि कार है, तो कार अगर अभी खरीदी 2 साल के बाद उसकी वैल्यू डाउन ही होगी, तो वो परसेंटेज डिक्रीज में आएगी। अगर 10% डिक्रीज होती है तो आप परसेंटेज डिक्रीज में उसको ले सकते हो। तो वो इस तरह से एग्जाम्पल में वो आएगा। तो परसेंटेज डिक्रीज, तो डिक्रीज वैल्यू नीचे आएगी ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई 100 आएगा। ओरिजिनल वैल्यू यानी जो चीज आप खरीद हो, जो वैल्यू अपनी ओरिजिनल प्राइस, मार्केट प्राइस भी बोल सकते हो, उसके हिसाब से ही आएगा। तो ये सारे फॉर्मूला है आपको अच्छी तरह से याद रखने। डिस्काउंट है बराबर, ओवरहेड चार्ज बोला, जीएसटी है, टोटल ग्रॉस प्राइस क्या है यानी कॉस्ट प्राइस प्लस ओवरहेड चार्ज, फिर डिस्काउंट में परसेंटेज क्या है, फिर प्रॉफिट अमाउंट, लॉस अमाउंट, सेलिंग प्राइस रिलेटेड टू द प्रॉफिट है तो, सेलिंग प्राइस रिलेटेड टू द लॉस है तो, परसेंटेज इंक्रीज क्या है, चीज कितनी इंक्रीज होती है, या परसेंटेज डिक्रीज कितनी होती है। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से लिख लेना है और प्रिपेयर भी कर लेना है। एक्सरसाइज 8.2 जिसका क्वेश्चन 1 है, जिसके अंदर आपको द मेन कॉज का 10% इंक्रीज इन सैलरी, तो पहले क्या है 10% इंक्रीज इज सैलरी, देन न्यू सैलरी is rupees of 1,54,000। तो ऐसा है, तो पहले एज्यूम करते लेट द ओरिजिनल सैलरी रूपीज एक्स, एक्स रूपीज ओरिजिनल सैलरी है और एक्स सैलरी 10% के हिसाब से इंक्रीज होती है, तो 10% टू एक्स इज इक्वल टू 10 × x / 100 कट गया यानी x/10 यानी 10% इंक्रीज होगी इतनी सैलरी होती है, x/10 जितनी इंक्रीज। इसका मतलब क्या हुआ, ओरिजिनल सैलरी प्लस इंक्रीज 10% इज इक्वल टू न्यू सैलरी, होता है कि नहीं। तो ओरिजिनल सैलरी कितनी थी, एक्स 10% के हिसाब से x/10 और न्यू सैलरी 1,15,000। तो इधर 10 लेंगे एलसीएम, तो 10x और x 10x
x अपॉन 10 इज इक्वल टू 15400 बराबर है। तो 10 और x कितना हुआ 11 x डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 15400 तो x इज इक्वल टू 15400 मल्टीप्लाई 10 ये डिवाइड बाय टू ऊपर जाएगा और 11 नीचे आएगा 154 को तो डिवाइड होता है 11 11 वन जा 11 4 4 11 4 जा यानी 14 इंटू 11 तो x इज इक्वल टू 14 इंटू 11 अभी ये 1000 है तो उसको अलग कर देते 3 0 मैंने 154 का ये किया है और ये 1000 अलग कर दिया और 10 और डिवाइड बाय 11 11 कट गया तो x इज इक्वल टू 14000 तो उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी थी 1,40,000 तो क्या लिखते थे ओरिजिनल सैलरी इज 14000 rupees तो ओरिजिनल सैलरी कितनी थी उसकी 1,40,000 तो इस सब से आप कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 है जिसके अंदर आपको बोला है कि संडे 845 पीपल विजिट करते हैं जो कि मंडे 169 पीपल विजिट करते हैं जो कि तो आपको ढूंढना है कि परसेंटेज डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे मंडे कितने डिक्रीज होता है वो ढूंढना है। तो पहले हम ढूंढ लेते हैं डिक्रीजिंग पीपल कितने परसेंटेज डिक्रीज है डिक्रीजिंग पीपल या नंबर ऑफ डिक्रीजिंग पीपल भी लिख सकते हो नंबर ऑफ डिक्रीजिंग पीपल इज इक्वल टू 845 - 169 तो इन दोनों को सब्ट्रैक्शन कर देते हैं इधर आएगा 3 तो इधर 10 है 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा 3 में से 6 नहीं जाएगा 7 है 10 30 में से 6 जाएगा 7 और 6 यानी 6 7 6 आएगा बराबर। तो ये आपको मिल गया डिक्रीजिंग और आपके पास सीधा ही फॉर्मूला है कौन सा तो डिक्रीज परसेंटेज डिक्रीज परसेंटेज डिक्रीज इज इक्वल टू डिक्रीज ओरिजिनल नंबर मल्टीप्लाई 100 तो आपको क्या मिलेगा परसेंटेज तो डिक्रीज कितना हो 676 ओरिजिनल कितना था 845 × 100 तो अब डिवाइड करते हैं 845 को तो डिवाइड होगा 5 से 5 1 5 3 4 5 6 13 4 5 9 5 45 तो ये हो गया और 169 वो 4 से होता है तो वही नंबर आता है ना तो इसका मतलब 169 × 4 तो ये हुआ 100 है तो 100 काम करते हैं 20 × 5 नीचे 845 है तो उसका 169 × 5 कटा 11 420 यानी 80% ये सबके आगे आप इस तरह से परसेंटेज लिख सकते हो तो कितने पीपल डिक्रीज हुए तो 80%
डिक्रीज होगी। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें आपको बोला हुआ है कि शॉपकीपर बाय 80 आर्टिकल्स फ्रॉम द 2400 प्रॉफिट आपको 60% है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल के आपको ढूंढना है। तो पहले हम जो बाय किया है 80 आर्टिकल्स इतने रुपए में, तो वो कितने में बेचता है वो ढूंढ लेते हैं पहले, तो बराबर है। तो कॉस्ट प्राइस आपको दी है ना, वो कितने में 80 आर्टिकल्स फ्रॉम 2400 में बाय करता है, तो वन आर्टिकल कितने में बाय करता है, यानी वन आर्टिकल्स बाय इज इक्वल टू कितना आएगा, 18 आर्टिकल का इतना रुपया है, तो वन आर्टिकल का कितना, तो 2400 डिवाइड बाय 80, ये कट गया, 8 3 24 10 8 8 कट गया, यानी 13 रुपीज। वन आर्टिकल बाय कितने में करते हैं, 13 रुपीज में। अब आपको ढूंढना है कि प्रॉफिट, अभी एक प्रॉफिट है वो 60% किसके ऊपर हिसाब से है, तो उसके बाइंग के हिसाब से, यानी वो उसका मार्केट प्राइस हो गए। तो इधर मार्केट प्राइस एमपी वही उसकी हो गई फॉर वन आर्टिकल इज इक्वल टू 13 रुपीज हो गए, प्रॉफिट 16% है ना। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने 60 रुपीज होता है रिलेटेड टू द 30, तो 16% टू 30 कितना हुआ, 16 × 30 डिवाइड बाय 100, 0 0 कट गया, 48 डिवाइड बाय 10, तो 4.8 रुपीज बराबर है, ये इसका परसेंटेज आ गया कि इतने रुपए प्रॉफिट होता है। अब आपको क्या था, सेलिंग प्राइस ढूंढना है ना एसपी, तो सेलिंग प्राइस एसपी इज इक्वल टू क्या आएगा, मार्केट प्राइस एमपी प्लस जो प्रॉफिट हुआ वो, तो एमपी प्लस प्रॉफिट, मार्केट प्राइस कितनी थी 30, प्रॉफिट कितना है 4.8, तो कितना हुआ 34.8 रुपीज, वो उसकी क्या होगी सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस एसपी ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू 34.8 रुपीज।